हम सबको बराबर फरमाए। जैसा कि
गुज़श्ता पाँच अयाम से आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर रही हूँ कि गरज़े इज़्ज़ते अंबिया भी तकाज़ाए लुत्फ़े परवरदिगार है, इंसानियत के लिए तनब्बो और बेदारी मतलूब है, जगाना इंसानों को मकसद है खालिक कायनात का, और दीन व मज़हब इंसान की फ़कत आखिरत ही नहीं बल्कि उसकी दुनिया को भी संवारने का जरिया है। कायनात के खालिक ने इंसान को पैदा करके उसे पायाबान तबीयत में आवारा नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हिदायत के लिए, उसके रुश्द कमाल के लिए, उसकी रूहानी तरक्की व इर्तिका के लिए खालिक कायनात ने उसे गरज़ खिलकत से आगाह करने के लिए मासूम हादी और पेशवा अपनी बारगाह से भिजवाए जो मकाम इस्मत पर फाइज थे। हम नजा ओ अमर ई हम मऊ से ओ सिर ई व नजा ओ अमर ई व अबत व इल्म ई व कुफ़ को तो भी व जबाल दीन ई बेहम अकामन हिना अजाहर ई व जहबर त्याद फरा इसे ही। ये खालिक कायनात ने जो मासूम पेशवा अपनी बारगाह से कारवाने नौ इंसानी की जानब भिजवाए और बकौल साहिब नजुल बलागा फबा सफ़ीम अम्बिया व बातर फितरत व यूज़रू हम मनसिया नमत। ये अम्बियाए जाम इलाही की बेसत का सिलसिला और तवातुर और तसलसल अल्लाह की जानब से भिजवाए जाने वाले पैगम्बरों का ताकि मीसा का फितरत मीसा के फितरत तजदीद के मरहले से गुजर सके। मयूसक के रूह मनसिया नमतें और उसकी फरामोश शुदा नगमात व नगमाती इलाही जो फरामोशी की नजर हो चुकी हैं उन नगमात को फिर से याद दिलाया जाए। जैसा कि मैं अर्ज पहले भी कर चुकी कि ये हिदायतों का सिलसिला मताल की जानिब से सिर्फ जहान खारिज में नहीं बल्कि हिदायत का जो निज़ाम कार फरमा है ये खालिक अकबर ने जहान बातिन में इंसान के खमीर में उसकी फितरत में उसकी सरिश में भी करार दिया और उसके नकुश पर उन्हें सिर्फ सतह फिक्र पर लाकर साज़े तकल्लुम अदा करना मकसद है। खालिक कायनात हिदायत के उन नकुश को सतह फिक्र पर लाकर ये आसमानी वही हिदायत के उन नकुश को सतह फिक्र पर लाकर साज़े तकल्लुम अदा करती है, उन्हें साज़े तकल्लुम अदा करती है और आसमानी हिदायत के जरिए से उन्हें उजागती है, निखारती है। फारसी लोगों के बकौल बिस्सदा दरनी आवरत, वरना ये वो चीज़ें हैं जो नेहा खाना वजूद में फितरत इंसानी में मौजूद हैं वो हादियान बरहक हम मौज़े उस्री ही व लजा ओ अमरे ही व अइबत इल्म ही व कुफ़ को तो भी व जबाल दीन ही। ये अहले बैत अत्थार अलैहिस्सलाम हम मौज़े उस्री ही जो उसके राजों के मराकज़ हैं, अइबत इल्म ही जो उसके उलूम के वारिस हैं, खजानादार हैं, कुहूफ़ को तो भी जो आसमानी किताबों की पनागाहें हैं, जबाल दीन ही दीन के अजीम शान पहाड़ हैं। पहाड़ का क्या काम है? वो ज़मीन में मेखों की तरह गड़े हुए हैं जैसा कि आज की साइंस ने बयान किया, और ये भी कुरान करीम का इल्मी एजाज है कि कुरान ने 1400 1450 साल पहले बताया कि वल जिबाल अवतादा, ये मेखें हैं जो ज़मीन में गड़ी हुई हैं। और अब साइंस ने ये साबित किया कि ज़मीन को बैलेंस में रखने के लिए पहाड़ों की मेखें इनके अंदर गाड़ दी गई हैं। तो ये कुरान करीम ने बयान किया वल अर्ज़ में आता, ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा करार दिया गया। उस वक्त के जाहिल अरब को मालूम नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता था कि ज़मीन गर्दिश में है, तो कहा ज़मीन में आता गहवारा है। आपने मुशाहदा किया, हमने भी किया, सभी ने बच्चे बड़े किए, खुदा बड़े करता है बाहर बच्चे तो, लेकिन हम समझते हैं जैसे हजरत जोश ने कहा था कि इंसान इतना बेवकूफ़ है कि फितरत के बच्चों को अपने बच्चे समझ बैठता है। तो हम
रहे हैं। ये क्रेडिट हम अपनी जहालत की बिना पर लेते हैं। कायनात जिसकी है, बच्चे भी उसी के हैं और बड़ा भी वही कर रहा है, वो खालिक है। इसीलिए नमाज की इब्तिदाई में फर्द मुस्लिम को बतला दिया गया कि आगाज नमाज ही में कहो, अल्लाह से उसके नाम से आगाज करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस खुदाए वाहदहु ला शरीक की जो आलमीन का पालने वाला है, मेरा भी, मेरे आबाओ अजदाद का भी, मेरी औलाद का भी, मेरी आने वाली नस्लों का भी। वो खालिक है, वो जात है, वो मालिक है जो ये अमल अंजाम देता। हम समझते हैं हम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब ये फितरत के बच्चे या खालिक की मखलूक जब ये पनपती है, परवान चढ़ती है, परवरिश पाती है, तो जो अफराद बड़े होते हैं, कुर्ब जवान में होते हैं, वो भी तजुर्बात के मराहिल से गुजरते हैं। तो आपने हमने भी देखा कि बच्चा जब सोना चाहता है तो बेचैनी करता है, अगर उसे हल्का सा झूला झुलाया जाए तो वो आराम से सो जाता है। तो ये इंसान का मिजाज है। अब हम महसूस नहीं करते गैर महसूस तरीके से, ये तो कुरान ने उस वक्त का, साइंस ने आज साबित किया, उस वक्त का जाहिल अरब इन साइंसी निकात का इदराक नहीं रखता था, लिहाजा कुरान ने बड़ा वाज़ेह बयान किया लेकिन इस अंदाज से बयान किया कि उस मुआशरे में फसाद ना पड़ जाए। इस तरह से बयान किया जैसे मैं बयान किया करती हूँ कि सहीफा कामिला में सैयद सज्जाद की एक दुआ है, सप्लिकेशन है, जिसमें बज़ाहिर आप अल्लाह की हम्द कर रहे हैं लेकिन दरवाकी बहुत बड़े साइंसी निकात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कि आपको मालूम है कि आका ने दुआ की है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी हम्द है उस खुदा की जिसकी कुदरत कामिला से पैदा की जाने वाली मछलियाँ पानी की तहों के अंदर सांस लेती हैं। इसीलिए इतनी नॉन मुस्लिम दुनिया वेस्ट में जो मुसलमान हो रही है, हालांकि सहीफा कामिला की इबारतें अरबी जबान, अरबी तो उनको आती नहीं, उसकी ट्रांसलेशन जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत पहुँची है उसने दुनिया इंसानियत के दानिश्वरों को बिरताए इर्द में डाल दिया। और वो कहते हैं कि कौन इतने बड़े साइंटिस्ट थे 1450 साल पहले जो आज चीज़ें साइंस की गिरफ्त में आ रही हैं, ये उस वक्त बयान कर गए क्योंकि पानी की तहों के अंदर हवा मिली हुई होती है। और अगर इमाम उस जमाने में ये कहते कि पानी की तहों के अंदर हवा मिली हुई होती है तो वहाँ गुगारत हो जाती। आज की साइंस ने ये साबित किया कि कोई जानदार भी हवा के बगैर सांस नहीं ले सकता, तो पानी की तहों के अंदर हवा मिली हुई होती है। और इमाम फरमाते हैं हम्द है उस खुदा की जिसकी कुदरत कामिला से पैदा की गई मछलियाँ पानी की तहों के अंदर सांस लेती। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, कितने बड़े बड़े जीनियस आए, उनके लिए कत्लो गारत के सामान फराम कर दिए गए। जब पहले किसी शख्स ने कहा जमीन हालत गर्दिश में क्या फसाद पपा हो गए, लेकिन साइंस ने अब साबित किया कि जमीन गर्दिश कर रही है और जमीन गहवारे की मानंद है। और ये जो हम इतनी पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, ये बच्चा इंसान इस गहवारे में आसाइश और सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। तो खालिक कायनात ने, अब मासूम ने जो सिफत बयान की इन हादियां ने बरहक की, हुम मौज़े सिर्री, ये इलाही राजों के मरकज है क्योंकि इंसान उन राजों को हजम नहीं कर सकता। तो उसने एक खास मखलूक पैदा की जिनको, जो वो फरमाता है कि कुन तो कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे पसंद आया लिकई उरफ कि मैं पहचाना जाऊँ। फखलकतुल खल्क, मखलूक नहीं कहा कि मैंने मखलूक पैदा की, फखलकतुल खल्क, मैंने ऐसी हस्तियां सफाए हस्ती को पेश अपने नूर से जिनको खल्क किया, और मैंने मौज मौज सिर रही, वो मेरे राजों की मंजिल है। हम मौज सिर रही वाला जा ओ अमरे ही व अइबत इल्म ही व कुफ कुतुब ही व जबाल दीन ही बेहम अकामन हिना अजहर ही व अजहर तआत फरा इसे ही। ये हस्तियां हम हस्ती
जर्फ में समा नहीं सकता, मगर वो जर्फ जर्फ अहले बैत सकता है। अभी तक लोगों को इस बात पर इस पर डिबेट चल रही है कि वाकई अहले बैत दिल में गैब रखते थे, उनके पास इल्मे गैब था, अहले बैत के पास इल्मे गैब था, वाकई को इल्मे गैब रखते थे। मुझे ताज्जुब होता है इस बात पर कि आखिर इस बात पे इतना सवाल क्यों उठता है कि मौला कायनात दिल में गैब रखते थे, हालांकि सभी जानते हैं उनकी जिंदगी के हालात तो वाकई वो तो बराहिरास पैगंबर गिरामी इस्लाम के जानशीन थे, बराहिरास पैगंबर, जैसा कि मैंने कल आपसे गुजारिश किया, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, जैसे जैसे इल्म उतरता चला जाता था वैसे वैसे मैं अली के सीने में मुंतकिल करता चला जाता था। वो बड़ी बड़ी जबरदस्त तशबीह है, ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, वैसे बगैर किसी तब्दीली के, बगैर। इसीलिए मौला कायनात ने फरमा बलो सुन्नी अतली वसादा फजलस्तु अलैहा लहकम तो बैना अहल तौरात बि तौरात व बैना अहल इंजील बि इंजील व बैना अहल ज़बूर बि ज़बूर व बैना अहल कुरान अहल फुरकान बि फुरकान। मुझे पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फनफतह, पैगंबर गिरामी इस्लाम अपनी जअला लिसानहु फी फमी, हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक, अभी मैं रिकॉल कर रही हूँ, शायद एक आध मिसरा मुझे याद नहीं, लेकिन आप परेशान या मुस्तरिब ना हो, अगर मुझे याद आ गया तो मैं वो पूरा कर दूंगी, और अगर मुझे जहन में ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम बयान को आगे बढ़ा लेंगे। कौन पैगंबरे उम्मी वो, कौन पैगंबरे उम्मी वो मोहम्मद सबशर, कौन पैगंबरे उम्मी वो मोहम्मद सबशर जिसका दिल इल्मे लदुन्नी का छलकता कौसर, जिसको काबे से मिला जब इल्म का एक गौहर, गोद में लेके जबान उसके दहन में रखकर, नुत्क में शहद फसाहत का मजा खोल दिया, लब जरा से जो खुले इल्म का दर खोल दिया। यह अशआर मुझे अभी सही तौर पे ज़हन में नहीं, चूंकि अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं ये पढ़तूं, तो अभी एक और बंद है वो भी मुझे अभी याद नहीं, लेकिन आपके साथ साथ ही शायद मुझे सही तौर पे याद आ जाए, ना आया तो कोई बात नहीं, हम अपने बयान को आगे बढ़ाएंगे, लिहाजा आप अनकम्फर्टेबल ना हो कि मैं भूल गई हूँ। जो बाब मदीनतुल इल्म से आता है वो इतनी जल्दी फरामोशी की नज़र नहीं होता, अचानक बात आती है तो चूंकि हमने रिवीजन की नहीं होती, अब मैं कोई रट्टा लगा के यहाँ आती नहीं हूँ कि मुझे मैंने अलिफ से शुरू करना है और ये तक लेके जाना है, मैं तो कुछ और सोचती हूँ, यहाँ आती हूँ बात शुरू होती है, बात से बात निकलती है और फिर बयान कहीं से कहीं पहुँच जाता है। इसलिए मेरे जहन में नहीं था कि मुझे ये अशआर पढ़ना होंगे, मगर अभी मेरे जहन में आया तो शहंशाही उमम से पूछो, इल्म चीज है क्या लौह कलम से पूछो, इब्ने अब्बास पुकारेंगे कि हमसे पूछो। और अब इसके तीन मिसरे मुझे याद आएंगे तो मैं मुकम्मल कर दूंगी, क्योंकि एक मिसरा मुझसे मिस हो रहा है, ये तीन चार बंद हैं बड़े उम्दा मौला कायनात की शान में। अभी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में असल में ये बात करना चाह रही थी कि ताज्जुब का मकाम है कि लोग कहते हैं वाकई मौला कायनात के पास इतना इल्म था, वाकई उनके पास, जबकि तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं, अहले सुन्नत बरादरान ने मौला कायनात
पैगंबर उम्मी पैगंबर आखिर जमा जक्का ने रसूलुल्लाह जक्कन जक्का सारे का सारा इल्म उस पैगंबर गिरामी है इल्म एक रुतबा है आली है और आला है अली। अब अगर आपको याद आए मैंने आपसे कहा था अरबी के औजान है फईल है सिफत मुशब्बा उसी के बाद अलीम उसी के अफ़अल है ये है अफ़अल तक़सीम ज़ाती को कसरत को बयान करना कबीर अकबर कसीर अक्सर कलील अकल और क्या अपने सगीर असगर इसी तरह आली आला आली बलंद मर्तबा और अगर कहना हो कायनात के हर आली से ज्यादा आली तो हम अपनी ज़बान में तो कहेंगे बलंद से बलंद लेकिन अरबी जबान चूंकि बहुत ज्यादा फसी व बनी है तो जब किसी की इतनी बुलंदी को बयान करना हो कि बुलंदियां जैसा कि मैं बयान कर रही थी एक जगह पर या शायद यहीं पे कि अमीर शाम के दरबार में महफिल सजी हुई थी तो जब किसी ने कहा कि अली के बारे में बयान करो तो उन्होंने कहा क्या बयान करें उन तो अली कालू अली क्या बयान करें अली तो बुलंद है कालू अली आला कुलकुला ने कहा अली तो बुलंद है क्या बयान करें ये भी अल्लाह की कुदरत काहिरा के दुश्मन के दरबार में जब भी अली का जिक्र हुआ खुदा ने दुश्मन की जबान पे अली ने अबी तालिब के फजाइल जारी कर दिया जब भी जिक्र हुआ उसने कहा कहने वाले ने अली के बारे में क्या बयान करें वो तो बुलंद है उधर से आवाज आई कुल तो ला नहीं अली बुलंद नहीं का फिर का इन्ना लुला पे अली नाला बुलंदियां अली की वजह से बुलंद है बुलंदियों के बुलंदी की खैरात मिली इसलिए कि वो अली के ज़ेर कदम आ गए तो जो इतना बुलंद हो उसको अली नहीं कहते खरीदार है
पाकिजगी है, बदन की पाकिजगी है, किबले की डायरेक्शन है, और फिर इंसान का हुजूर कल्ब है, तवज्जो है इल्लाह है, हुजू खुशू है, वो नमाज में आता है, तकबीरतुल इहराम कहता है, नमाज को शुरू करता है, तो वो रुकू में जाता है तो कहता सुभान रब्बी अल अजीम व बिहमदी। रुकू में गया तो अभी उसकी मारिफत उस दर्जे पर नहीं पहुंची, उसने कहा मुनज़्ज़ा है, आला है, अजला है, अरफा है, बेअब है, लारैब है, पाक है, काबिले सताइश है, काबिले तस्बीह है, लायके तहसीन है, साहिब फजीलत है, ये मेरी वो ज़ात जो मेरा माबूद है, सुबहान रब्बी मेरा परवरदिगार, सुबहान रब्बी अल अज़ीम जो अज़ीम है, क्योंकि अभी हमारे पास उस औज पर नहीं पहुंचे। लेकिन जब सजदे में गया तो मारिफत औज पे पहुंचे, उस वक्त उसने कहा सुबहान रब्बी अल अला व हम्द, अब अज़ीम नहीं, आली नहीं, आला, जिस आला आली तरीन, जिसकी बुलंदी की कोई बराबरी ना कर सके, जो बुलंदी ज़हने इंसानी के लिए मुतसव्वर ही ना हो, जिस कुल्ला या ज़मान पर तायरे फिक्रे इंसानी परवाज ही ना कर सके, फिक्रे इंसानी का परिंदा जहां तक पहुंच ना सके, वो बुलंदी इल्म एक रुतबा आली है, इल्म एक रुतबा आली है, और आला है अली। मसीहा है अली, इल्म आबाद है जिसमें, वो दुनिया है अली, इल्म मौलाई है और इल्म के मौला है अली। आपके दर पे मलक शाद भी हैं, आबाद भी हैं, आपके दर पे मलक शाद भी हैं, आबाद भी हैं, आप जिब्रील के मौला भी हैं, उस्ताद भी हैं। कहते हैं सलमान फारसी की रिवायत है, आपके बारे में ज़ियारत आले यासीन में जो आप पढ़ते हैं जरूर पढ़ा करें ज़ियारत आले यासीन। जैसा कि मैंने बयान किया, ये ज़ियारतें हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए हैं। अय्युहल अलमुल मंसूब वल इल्मुल मसबूब, सब्बा पानी का ऊपर से नीचे गिरना, आबशार का चश्मे से गिरना, लेकिन मसबूब गिरा नहीं, मुसलसल आबशार इल्म का मब्बाज धारा खाना नबी से बैत नबूवत से पहला, ये अली इब्न अबी तालिब और उनके फरजंदान मासूम की शान है। सलमान फारसी की रिवायत है, सलमान फारसी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत है, सलमान फारसी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके इल्म कमाल और जिनकी इल्म कमाल से ज़्यादा उनकी परहेजगारी, उनकी सदाकत पे कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, उनको पैगंबर गिरामी इस्लाम ऐसी हस्ती ने सलमान मिन्ना अहलल बैत का लक़ब अता किया। अम्मार यासिर एक ऐसी हस्ती है कि अम्मार यासिर तमाम मकातिब फिक्र इस्लामी के यहाँ आज भी और उस दौर में भी, बल्कि मैदान सिफीन में हमारे यासिर इस्लाम की हक्कानियत की गवाही बनकर सामने आए। इतना बड़ा मकाम कि जो मौलाए कायनात की हक्कानियत और सदाकत की गवाही बन के सामने आए, इतना जनाब अम्मार इब्ने यासिर का मकाम बुलंद है। मुस्लिम उम्मा में से मैं जाती रहती हूँ कॉन्फ्रेंसिस में, इंटरनेशनल जो मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, तो मिस्र से, सीरिया से, इजिप्ट से, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ के जो बड़े स्कॉलर्स हैं वो आते हैं, और वहाँ मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन अरबी जबान ही होता है, तो अरबी जबान में तकरीर होती है वहाँ पे, दो दो घंटे तकरीर करते हैं अहले सुन्नत उलमा, अपने अकायद के मुताबिक तकरीर करते हैं, वो बातें भी बयान करते हैं जिनके खरीदार बाज लोग नहीं भी होते, और वो बातें भी बयान करते हैं जो हमें बिल्कुल हैरत में डाल देती हैं। जैसा कि मैंने बयान किया
गया था कि हसन बद्र अहले सुन्नत के सीरिया के बहुत बड़े मुफ्ती आजम है, मुफ्ती आजम है, और वो दो दो घंटे तेहरान में आके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अरबी में अपनी जबान में खिताब करते हैं। तो उन्होंने एक हदीस बयान की थी, वो हदीस आपने हमने बचपने से सुनी, लेकिन जो एनालिसिस उन्होंने उस हदीस का पेश किया उसने सिर्फ मुझ ऐसी जाहिल को नहीं, बड़े बड़े उलमा को वहां गिरता हैरत में डाल दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में ईरानी अरब उलमा उछल पड़े जो उन्होंने तज़किया पेश किया। उन्होंने कहा कि पाक, अलबत्त कि मैं पहले बयान कर चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि पाक पैगंबर ने फरमाया कि इन्नल जन्नता तश्ता को इला अरबात मिन अर्रिजाल, जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, इश्तियाक रखती है उनसे मुलाकात का। तो फिर उन्होंने कहा कि वयु तवक्का ओ ऐन यकुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम इन्नल जन्नता तश्ता को इला अबी बकर व उमर व उस्मान व अली, के तवक्को ये थी कि हुजूर ये फरमाएंगे कि जन्नत मुश्ताक है चार अफराद की, जो चार खलीफे थे जिस सीक्वेंस के साथ थे। लेकिन वो कहती कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया, लम यकुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम ज़ालिक, हुजूर ने तो ये नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया इन्नल जन्नत तश्ताकु इला अरबा इला अबी ज़र अम्मार सलमान व अली। ये मुफ्ती आजम है, सरजमीन शाम का मुफ्ती आजम है अहले सुन्नत का, और बड़ा पावर, बहुत पावरफुल स्पीकर है ये, बहुत ज्यादा। ने कहा कि हुजूर ने फरमाया जन्नत चार अफराद की, अबू ज़र अम्मार सलमान और अली। तो हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह, या आज का मुसलमान बिन फर्ज पूछता है बारगाह नबवी में सवाल लेके जाता है कि जैसे सीक्वेंस में तरतीब से चार खलीफे थे तो उन चारों की जन्नत मुश्ताक हो, तश्ताक हो इन्नल जन्नत तश्ताक हो इला अबी बकर वा उमर वा उस्मान वा अली, जैसे जैसे थे पहले की फिर दूसरे की तीसरे की फिर अली की आशिक हो। या आपने क्या कहा? कहते हैं कि हुजूर की जानिब से जवाब आएगा, या अहले सुन्नत के मुफ्ती आजम कहते कहते हुजूर की जानिब से, कहते देखिए हमारे पेशवाओं का विजन क्या है, हुजूर का विजन क्या है, उनकी फिक्री बालिग की हमारे पेशवाओं की, कि हुजूर अगर तो खुलफा का नाम लेते, हुजूर से सवाल होगा कि अगर आपने खुलफा का नाम लिया तो फिर इस तरतीब से होना चाहिए, और अगर आप खुलफा की बात नहीं कर रहे तो फिर अली के बीच में क्यों डाले, अगर असहाब की बात कर रहे हैं तो फिर अली के बीच में क्यों डाले, फिर आप सलमान अम्मार और अबू ज़र। तो कहते बारगाह नबवी से जवाब आएगा कि बहतत उम्मत के हवाले से, इत्तेहाद व इंसिजाम उम्मत इस्लामी के हवाले से, कि हुजूर काले गोरे गोरे की तख़सीस को मिटा रहे थे तो हुजूर ने फरमा इन्नल जन्नत तश्ताकु इला अबी ज़र अम्मार सलमान इला बिलाल सलमान व अम्मार व अली, जन्नत मुश्ताक है बिलाल की सलमान की अम्मार की और अली की। तो हुजूर जवाब देंगे इसलिए कि अम्मार सरजमीन अरब से, सलमान सरजमीन फारस और अजम से, बिलाल सरजमीन हबश से, तो अफ्रीका हो फारस हो अरब हो तो काफिर अली क्यों कहा, और अली अहले बैत में से। सलमान की शख्सियत नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है तो अम्मार की शख्सियत भी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, बल्कि सलमान से ज्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल अम्मार की शख्सियत है। तो जनाबे अम्मार यासिर के बारे में रिवायत है, इल्म की बात कर रही हूँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म की, कि जनाबे अम्मार यासिर की रिवायत है कि अम्मार यासिर कहते हैं कि कुंतु मा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैं अली इब्न अबी तालिब के हमरा था। तो कहते हैं बहुत ही ऑथेंटिक रिवायत है अरबी मतन की जो सलमान जो अम्मार यासिर ने बयान की, कहते कुन तो मा अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फखरज मिन अल कुफा इज इज अमर बिस
السعيد التي يقال له النخلة وأراد فرسخين من الكوفة فخرج منها من مولا كائنات كأمراتها تو هم وہاں سے کوفة سے نکلے کوفة سے چند فرسخ کے فاصلے پر ایک صحرا تھا ایک بڑی سخت زمین تھی جیسی ان علاقوں میں پائی جاتی ہے تو کہتے ہیں فخرج منها خمسون رجلا من اليهود تو یکا یک ہم نے دیکھا کہ 50 یہودی افراد اس سرزمین سے اپیئر ہوئے ہمارے سامنے آئے تو انہوں نے کہا وقالوا انت علی بن ابی طالب الامام انہیں میڈیا کا دور نہیں تھا انہوں نے مولا کائنات کی حیبت کو دیکھا جلالت کو دیکھا روب و دبدبہ و حیبت کو دیکھا شخصیت کو دیکھا علمی وقار دیکھا نورانیت دیکھی ملکوتی چہرہ دیکھا تو خلافت الہیہ کے آثار دیکھے اس وجود طیب و طاہر میں تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ انت علی بن ابی طالب الامام کیا تو ہی وہ علی بن ابی طالب ہے جو مسلمانوں کا امام ہے فقال انا ذا فرما میں ہی ہوں فقالوا لنا صخرة مذکورة فی کتبنا علیہ اسم ستت من الانبیاء نے کہا کہ ہم اس سرزمین میں گھوم پھر رہے ہیں ایک پتھر کی جستجو میں تلاش میں صخرہ ایک بہت بڑے پتھر کو کہتے ہیں ہماری زبان میں تو پتھر کسی بھی سائز کے پتھر کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ صخرہ کا معنی ہے بہت بڑا پتھر ہم اس کی جستجو میں اس سرزمین میں گھوم رہے ہیں صخرۃ مذکورۃ فی کتبنا علیہا اسم ستۃ من الانبیاء نطلب الصخرة فلا نجدها فإن كنت إماما أوجدنا الصخرة فقال علي عليه السلام اتبعوني قال عبد الله بن خالد الفسار القوم خلف أمير المؤمنين صلى الله عليه انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کی جانب سے بھیجوایا ہوا امام ہے تو ہم وہ پتھر تلاش کر رہے ہیں اس پر 6 نبیوں کے نام اللہ کی جانب سے نقش کر دیے گئے اور 6 جو ان میں سے 500 صاحب شریعت ہیں اور پہلے نبی آدم ہیں تو ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ زانت الصخرہ فلا نجدها ہم تلاش کر رہے ہیں مگر ہمیں وہ مل نہیں پا رہا ہے فإن كنت اماما اگر آپ امام ہیں اوجدنا الصخرہ وہ پتھر ہمیں یہاں سے آپ فائنڈ آؤٹ کرتے نکال لیں فقال علی سلام اللہ علیہ آقا نے ارشاد فرمایا اتبعونی اتبعونی مجھے فالو کرو میرے ساتھ ساتھ چلو قال عبداللہ ابن خالد القوم خلف امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کہا کہ عبداللہ ابن خالد نے کہا کہ ان کی قوم وہ افراد مولا کائنات کے پیچھے پیچھے چل دیے اجتماع بڑھتا گیا الا ان استمنعت فیہم البر و عذاب جبل من رمل عظیم یہاں تک کہ وہ پتھر کو تلاش کریں وہ ایک مقام پہ پہنچ گئے جبل من رمل عظیم رمل کہتے ہیں خاک کو جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ایک جگہ پہنچے جہاں مٹی کا اتنا بڑا ڈھیر تھا جیسے بہت بڑا پہاڑ وہاں پر پہنچ گئے فقال سلام اللہ علیہ مولا نے اس مٹی کے پہاڑ کی جانب دیکھا ایتها الریح ان سے پھر رمل عن الصخرة بحق اسم اللہ العظم فما كان الا ساعه حتى نسفت الرمل وظهرت الصخرة مولا کائنات نے اس مٹی کی پہاڑ کی جانب رخ کیا اور فرما ایت حربی ان سے پھر رمل عن الصخرة بحق اسم اللہ العظم فرمایا اے ہوا اس پہاڑی کے اوپر چل اور اس پتھر سے خاک کو ہٹا دے لیکن کس کے تبسط سے بحق اسم اللہ العظم مغفرہ لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا لوگ بہت زیادہ ہر بات میں سوال ہر بات میں جستجو ہر بات میں تجسس ہر بات میں بلا مورد بلا وجہ میں جب حالات پڑھتی ہوں پیغمبر گرامی اسلام کی حیات
के तैयबा या सदर इस्लाम के, तो मुझे लगता है वहां सभी पाकिस्तानी रहते थे। मजाहिब हैं, सबकी नमाज पढ़ने का अंदाज अलग है। क्या कहा
कुछ लोग सीने पर हाथ बांधते हैं, कुछ पेट पे बांधते हैं, कुछ जरा नीचे बांधते हैं, कुछ हाथ आजाद करके पढ़ते हैं। तो इन हर एक की अपनी अपनी रीजंस हैं। आप सबको उसी तरह पढ़ने दें, कोई मसला नहीं। नहीं, नमाज अल्लाह ने वाजिब की तो जिस तरह से आई है वैसे पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, देखिए आप बहस ना कीजिए, मेरा मशवरा ये कि जो जिस तरह पढ़ता है उसको वैसे पढ़ना है। कहा, क्यों? नमाज तो अल्लाह ने वाजिब की, रसूल ने मुतारिफ कराई, तो फिर नमाज का एक ही तरीका है। तो उन्होंने कहा, देखिए हर किसी ने अपने लीडर से नमाज ली तो वो उसको फॉलो करता है, हम भी अपने लीडर को फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा, वो कैसे? कहा कि एक खलीफा थे, चार खलीफे थे, तो एक खलीफा चारों खुलफा के ये पैरोकार हैं, जो उनकी पैरवी हैं उनके तरीके पर नमाज पढ़ते हैं। तो कहा कि एक खलीफा थे तो वो सीने पर हाथ रख के नमाज पढ़ते थे, बांध के कहते थे कि मेरा सीना शैतानी वसवसों से भरा हुआ। बड़ी काबिले तारीफ बात है, तो बड़ा अच्छा करते थे, उनके फॉलोअर्स भी यही करते। देखिए ना, हुजूर आयाते थे कि बाकी आखिर के अय्याम में मस्जिद में तशरीफ लाए और आपको बुखार था, तबीयत नासाज थी, आपने फरमाया मुझे, आपने बतला दिया कि दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, आपने फरमाया मुझसे कुछ पूछना है, किसी की कोई बात है तो मुझसे कर ले। तो मुख्तलिफ लोग खड़े हुए, तो एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अना रजुल कज़्ज़ाब, मैं एक झूठा शख्स हूँ, मुझे झूठ बोल बोल के मजा आता है, किसी तरह इस झूठ से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। आका ने दस्ते दुआ बुलंद किए, फरमा अल्लाहुम्मा रज़ुक्हु सिद्क, परवरदिगार इसे सच्चाई की दौलत से नवाज। एक और कितनी अच्छी बात है, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज्यादा नींद पसंद है मुझे, नमाज कजा हो जाती है, तो आप दुआ कीजिए कि ये नींद का हमला, तो आका ने दस्ते दुआ बुलंद फरमाए, अल्लाहुम्मा अज़िब अन्हुम नौम, परवरदिगार इस नींद को इससे कम कर दे ताकि इसकी नमाजी नमाजों की अदायगी में। एक और शख्स उठा, उसने कहा, या रसूलल्लाह, अना रजुल मुनाफिक, मैं मुनाफिक हूँ। तो खलीफा सानी हजरत अबू बकर खत्ताब गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा, अफसोस है तुझ पे, मुंह बंद कर। ने कहा कि फसाहता नफसक, ओए तूने अपने आप को भी जलील और रुस्वा कर दिया और हमें भी शर्मिंदा कराया, ये कोई बताने वाली बात थी? अना रजुल मुनाफिक। तो हुजूर ने फरमाया, रुको रुको, हौसला करो। आका उसकी जानिब मुखातिब हुए, फरमाया, इत्तेफाक से तूने बड़ी अच्छी बात की, इन्ना फुजूहल आखिरा खैर, इन्ना फुजूहल दुनिया खैर मिन फुजूहल आखिर, मिन फुजूहल आखिर, दुनिया की जिल्लत आखिरत की जिल्लत से बड़ी आसान है, कम है, तो बेहतर है तूने अभी ये बात की। तो हुजूर ने उसके हक में दुआ फरमाई, तो ये अच्छी बात है। इंसान के जो नकायस थे, तो खलीफा अव्वल कहते थे, परवरदिगार ये सीना शैतानी वसवसों की आमाजगर है, तो इसको निकाल। तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सीने पे हाथ रख के पढ़ते, जो दूसरे साथ थे वो पेट पे हाथ रखते थे, वो कहते थे, परवरदिगार किसी तरह हराम को मेरे पेट से निकाल। तो बहुत अच्छी बात, ये काबिले तहसीन बात है कि इंसान हराम की तलब में हो, हराम से बाहर हो, जिसको जो मुश्किल है वो उसके इजाले के लिए वहीं पे हाथ रखता, वो कहते थे यार परवरदिगार।
الأوصياء والأوصياء والأوصياء والأولياء منذ عهد آدم إلى الآن بالملائم إلا كان علي بن أبي طالب عليه السلام أنجاه الذي من ذلك البلاء خالق كائنات نے شب معراج مجھے اس منزل پر بلا کر مجھ سے خطاب کیا اور مجھ سے کہا اے احمد مجتبی ایک حقیقت تجھ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں
परवरदिगार तुझे अली की हुर्मत का वास्ता, तुझे अली के हक का वास्ता, तुझे अली की मातक का वास्ता। क्या ले उसाते उम्मती, मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ कर। तो जब सर सजदे से उठाया तो बीवी ने बेचैन होकर कहा, या रसूल अल्लाह, अलस्ता मुर्सल, क्या आप नबी नहीं? तो हुजूर ने फरमाया कि हूं। तो कहा कि क्या आप अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब, क्या अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रब तरीन फरिश्ते नहीं? कहा है। तो कहा कि फिर आप उनका वास्ता क्यों नहीं देते, आप अली का वास्ता क्यों देते? हुजूर ने फरमाया कि अब एक पंजाबी का लफ्ज तो मेरी जबान पे आता चला जा रहा है, लेकिन खैर मैं उसको और ठीक करूंगी। बहरहाल हुजूर ने, जब भी ये रिवायत मेरे जहन में आती है तो किसी पंजाबी मर्द का तस्वुर आता है जो पंजाबी में खातून से खिताब करे। खैर हुजूर ने फरमाया कि बीबी, फरिश्ते भी हैं और मैं भी नबी हूँ, लेकिन आप पूछना क्या चाहती हैं? कहा, आप फरिश्तों का वास्ता क्यों नहीं देते, अली का क्यों देते हैं? कहा, बीबी मैं क्या करूं, फरिश्ते खुद अली के घर की जारू करते हैं, जारू कशी करते हैं। जमा हुए, फमा कदर वाला कल बिहार, उन्होंने
करना तुम छोड़ दो उसको। फमद्दा यदहु इलैहा फकल्लबा, आका सवारी पर ही मौजूद रहे, अपने घोड़े पर या खच्चर पर सवार थे। फमद्दा, मद्दा कहते खींचने को, तराज करना। आका ने यदहु अपना हाथ बढ़ाया उसकी जानिब, सवारी पर बैठे बैठे। फकल्लबा, उसकी साइड पलट दी। फवादतु अलैहा इस्म सित्तत मिन अल अंबिया اصحاب الشرع آدم ونوح وابراهيم وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام कहते हैं कि आका ने हाथ बढ़ाया और जरा सा उसको लम्स किया, पत्थर का रुख बदल गया, वो छह अंबिया के नाम सामने आ गए, आदम नूह इब्राहिम मूसा ईसा और पैगंबर गिरामी इस्लाम। فقال النفر اليهود نفر اليهود यानी यहूदियों की पूरी हजार की जमात نشهد ان لا اله उससे खिताब किया और आका ने फरमाया दर्राज मुसकमन तफी हाजे दरिया, तुम कितने जमानों से इस सहरा में हो और कहां से तुम्हारे खाने पीने का इत्मीनान होता है? इस सरजमीन पे तो कोई खाने पीने के आसार नहीं, कोई गिज़ा नहीं, कोई फूल पौधा नहीं। फकाल या अमीर अल मोमिनीन मुनज़ो में असर फी हाजे दरिया, उसने कहा मौला कायनात मैं आप पे कुर्बान, मैं 100 साल से इस सहरा में इस सरजमीन पर हूँ। वमतअमी वमशरबी अलैका फाशबा, जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो मैं आप पर सलावत सलाम भेजता हूँ, मेरी भूख का इजाला हो जाता है। वाइदा अतश्तु अदउ अला ज़ालिमिक वअलअनु अला आदाइक, और जब मुझे प्यास मुझ पर गालिब आती है तो मैं आपके दुश्मनों पर। जाती है
हाजा शैउन अजीम मा उतिया मन ते उतै ले सुलेमान इब्ने दाऊद। मैंने कहा मौला ये क्या बात है, ये तो सुलेमान इब्ने दाऊद की खासियत थी मन ते उतै जो कुरान ने बयान किया लिमना मन ते उतै। हमने सुलेमान इब्ने दाऊद को परिंदों से बात करने की सलाहियत अता की तो मौला कायनात मुस्कुराए अले असलमा अमा अलिमता अना अतैतु सुलेमान इब्ने दाऊद सलावतुल्लाह अलैहि ज़ालिक व लौ लाना मा खुलिक सुलेमान व मा खुलिक दाऊद व मा खुलिक अबू व मा आदम अबुल बशर। अखने फरमाया सलमान तू क्या बातें कर रहा है। कहा कि मौला मैं पूछ रहा हूँ आपसे हाजा शैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है। अखने फरमाया सलमान अमा अलिमता क्या तुझे नहीं मालूम अना अतैता सुलेमान इब्ने दाऊद सलाम ये मनते को तय सुलेमान इब्ने दाऊद को अता किसने की, अता किसने की वलौ ला ना अना आते तो मैंने अता की वलौ ला ना और अगर हम ना होते तो मा खुलिका सुलेमान सुलेमान खल्की ना होते वला दाऊद दाऊद खल्की ना होते वला अबूहुमा आदम अबुल बशर सुलेमान ने कहा ऐसा है फरमाया ऐसा ही है अतुरी तो अन आरा का अजब मिन हाजा क्या तू चाहता है कि मैं तुझे इससे भी ज्यादा अजीब चीज बता दूं। अब जिन लोगों को ताज्जुब होता है इस बात पर उन्हें यह सोचना चाहिए कि अहले सुन्नत बरादरान ने अपनी किताबों में लिखा कि आप तो ये कहते हैं मौला के कायनात के पास के इल्म था या नहीं, आप जरा अस्हाबे अली की हिस्ट्री तो पढ़िए। मैं समय तमार रुशैद हजरी मौला कायनात के अदना स्टेटस के एतबार से असहाब में से थे, वो भी इल्मे बलाया और मनाया जानते थे। और मैसम तम्मार के बारे में है कि मैसम तम्मार इतने बड़े आलिम थे इल्मे गैब के कि जब मैसम तम्मार वाकए करबला से एक साल पहले अरेस्ट किए गए थे तो हज से वापस लौटे तो मदीनतुल नबी में तशरीफ लाए जनाब उम्मे सलमा की जियारत के लिए, तो जब खबर की गई उम्मुल मोमिनीन को तो आप तशरीफ लाए तो मैसम ने सलाम किया तो कहा कि तुम मैसम हो, अर्ज किया मैं मैसम हूँ। तो जनाब उम्मे सलमा ने एक गहरी सांस ली और कहा कि वो रातें वो शबें जब हुजूर तुम्हारी सिफारिश अली से किया करते थे। मैसम तम्मार गुलाम थे, स्लेव मार्केट लगी हुई थी, गुलामों की का बाजार था। मौला कायनात तशरीफ ले गए, आपकी निगाह इंतखाब ने हीरे को चुन लिया, कीमत अदा की, खरीदा। उसके बाद फरमाया तेरा नाम क्या है, तो गुलाम अपना नाम बदल लेते थे। मैसम ने कहा अबू फलां। मौला कायनात ने फरमाया नहीं मैसम, आपको कैसे पता चला। फरमाया तुम्हें अब बहुत कुछ पता चलेगा कि आका ने चंद एक खजूरें ली, तम्मार इसीलिए कहते थे अरब में खजूरें कौन खरीदता है, वहाँ का तो खजूर फल है, लेकिन ये तो एक तजाहुर था, जाहिरदारी थी, दरअसल तो मैसम साहिब सिर थे। मैसम आए, जनाब उम्मे सलमा ने कहा मैसम तुझे मालूम है तेरे साथ क्या होने वाला है। कहा जी हाँ मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ वेदा के लिए। उम्मे सलमा ने कहा हुजूर ने फरमाया था लोहे की लगाम तेरे मुंह में डाली जाएगी अली की मोहब्बत की सजा की पादाश में और तेरी जबान काटी जाएगी, तेरे साथ ये का मालूम है। उम्मे सलमा ने कनीज को बुलाया सबसे बेहतरीन इत्र लाओ, बुलाई सारा इत्र कहा सलमान के महासिन पे मैसम के बदन पे लिबास पे लगा दिया और दुआओं के साथ रुखसत किया। मैसम आए गिरफ्तार हो गए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के। हम उससे पहले मैसम ने इब्ने अब्बास से कहा, इब्ने अब्बास बहुत बड़े आलिम थे, इब्ने अब्बास मेरे पास कुछ इल्म है जो मौला कायनात ने मुझे दिया। तो वो मैसम इब्ने अब्बास बहुत खुश हुए, कहा जल्दी कलम दबा कागज़ लाओ। मैसम हर वक्त अली से चिपटे के रहते थे तो इनके पास तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं मालूम। अब जो कलम पकड़ा तो मैसम ने कहा कि मैं तुझे आज से लेकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है उसकी खबर दूंगा। तो इब्ने अब्बास ने जल्दी से कागज को लपेट दिया, कलम दबा साइड पे रख दिए, कहा मैं सब कुछ अपना बोलू, ये तेरे शायन शान है, तू सहाबी है सहाबी रह, इल्मे गैब अंबिया की शान, इल्मे गैब खुदा के पास। मैं सब ने कहा इब्ने अब्बास तुम्हारी मर्जी है,
लेकिन मैं कुछ बातें खुद ही बता देता हूँ, लिखना न चाहो मगर देखना अगर वो सच्ची साबित न हो। कहा कैसे? कहा अल्लमनी अलियन इल्मल किताब। बड़ा जुमला है, अली ने मुझे किताब का इल्म दिया। इल्मल किताब, जिसके शागिर्दों के इल्म का ये आलम हो कि वो कहे इल्मल किताब। ये नहीं कहा इल्मुम मिनल किताब। कुरान करीम को जाके पढ़िएगा, आज सूरह मुबारक है नम, खालिक कायनात खिताब, या अय्युहल मलअ यातीन बे अर्शहा कबला यातूनी मुस्लिमीन। ऐ लोगो, सुलेमान इब्ने दाऊद अपने दरबार में खिताब करते हैं, मेरे लिए मलका सबा का तख्त लेके आओ। तो काला इतनी तुम मिन अल जिन अना आती का बिही कबला अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन। एक जिन्नों के सरदार ने उठ के कहा मैं तख्त लेके आता हूँ इससे पहले कि आप अपने इस तख्त हुकूमत से उठे, इस कुर्सी से उठे। कबला अन तकूम मिन मकामिक व इन्नी अलैहि लकवीयुन अमीन, मैं वो तख्त हिफाजत के साथ पहुँचा दूंगा। सुलेमान को कुछ घंटे लगते थे फैसले करते हुए, इससे पहले कि आप फारिग हों ले आऊंगा। قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك। उसने कहा जिसके पास किताब का एक जर्रा इल्म था। قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك। मैं लेके आता हूं अभी, जब सुलेमान आप तकाजा कर रहे हैं इससे पहले कि आपकी पलकें बंद हों। मैं मलका इस फलम मरा हूँ, अभी वो बात कर रहा था। قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلم مراه مستقرا عنده। वो बात कर रहा था और सुलेमान ने पलके झपकने से पहले देखा मलका इस सवाब ने तख्त पे मौजूद थी। ये उसका मकाम है सुलेमान इब्ने दाऊद के वसी का, जिसके पास सिफारिश आई है मैं सबके कत्ल का परवाना आया। कहा यहाँ तो मोबाइल नहीं है, आपको कैसे पता चला? कहा मुझे मौलाए कायनात बता दे। बाहर आए समय समय तम्मार को मेखों से गाड़ा गया था, ये जो कहा जाता लटके रहे आवेजा नहीं थे, मेखों से कीलों से पैवस किया गया था दरख्त में। तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम अली के बयान और अली के कलाम को झुठला दोगे। अली ने जो फरमाया तुम उसको झुठला दोगे। कहा हम जबान ही नहीं काटेंगे, हत्ता के लोहे की लगाम डाल दी, मुंह में लोहे की लगाम डाली। मैं सब ने कहा मेरे मौला ने यही तो फरमाया था। उसके बाद जब वो उसने कहा इसके हाथ पैर काट दो जबान ना काटूं, मैं सबने कहा कब तक? अभी वो वक्त आएगा जो मेरे मौला ने बताया था तभी काटोगे, उससे पहले काट नहीं सकते। तीन शब रोज गुजर गए, जब सूरज के गुरूब का वक्त आया तो मौला ने फरमाया था मैं सब जब तू दुनिया से अलविदा कर रहा होगा उसी वक्त सूरज भी आलत विदा में होगा, जैसे तू गुरूब हो रहा होगा उसी तरह सूरज गुरूब हो रहा होगा। तो इधर वो जालिम आया, उसने कहा हाथे में सारा अपनी जबान बाहर निकाल। मैं सब जोर से हंसे, जबान बाहर निकालते निकालते कहा यही तो फरमाया थे मेरे मौला ने, उधर से तू गुरूब हो रहा होगा, उधर से आफ्ताब आलमता गुरूब हो रहा होगा, तेरी जबान कट रही होगी जिसके शागिर्द
para
पास में आ गए, उनके आजा वहां जमा हो गए। तो मुझे ताज्जुब हुआ, बोल मैंने कहा या मौला या आजा अमरुना जी, बोला ये तो बड़ी अजीब चीज है जो मैंने देखी। फकाल सलावतुल्लाह अलैहि या सलमान अकरबुल्लाह ताज्जुब मिन अमरिल्लाह तआला, तू कब से अल्लाह की उम्र में शक करने लगा? फइन्नहु कादिरुन अला कुल्ली मा यशा व फआलुन लिमा युरीद, खुदा जो चाहे कर सकता है और जो इरादा करे उसकी तकमील पर कादिर है। सलमान ने कहा मौला मगर वो तो खुदा है, ये आप हैं। खुदा कादिर है मगर यहां तो आप हैं। तो आका ने फरमा सलमान मैं कौन हूं? अना अब्दुल्ला, मैं उसका वो बंदा हूं जो उसका ट्रस्ट करती हूं, जो उसका काबिली एतिमाद हूं, जो उसका खजांची हूं। अना अब्दुल्लाह व खलीफतुहु, मैं उसका खलीफा हूं। खलीफा अरबी जबान में नायक को कहते हैं, जानशीन को कहते हैं, जो कुर्सी पर बैठे, जिसको अपने बाद बिठाया जाए। तो अल्लाह ने जमीन पर अपने नायक हमें बनाया, जो वो काम करता है वही काम करवाने के लिए उसने हमें जमीन पर भेजा। तो ताज्जुब किस बात का है? काम मौला मगर आपने किया, अल्लाह ने तो नहीं किया। फरमा सलमान अमरुहु अमरी नहीं हो नहीं, हुक्मुहु हुक्मी, कुदरतुहु कुदरती, कुव्वतुहु कुव्वती, खजाइनुहु खजाइन, मुल्कुहु मुल्की, जुनूदुहु जुनूदी, अज़ाइमुहु अज़ाइम। सलमान उसकी कुदरत मेरी कुदरत है, उसकी ताकत मेरी ताकत है, उसके खजाने मेरे खजाने हैं, उसके लश्कर मेरे लश्कर हैं, उसका अम्र मेरा अम्र है, उसकी नहीं मेरी नहीं है, उसका हुक्मुहु हुक्मी, उसका फैसला मेरा फैसला है, उसका मुल्क मेरा मुल्क है, उसकी सल्तनत मेरी सल्तनत है। इसलिए कि मैं उसका काबिले एतमाद हूँ, मैं उसका ट्रस्ट करती हूँ। वो जो जो काम चाहता है मुझसे कराता चला जाता है और मैं करता चला जाता हूँ। तो हम मौज़े ओ सर्रे ही व लजा ओ अम्रे ही व इबतो इल्मे ही व गुरूफ़ कुतुबे ही वजबाल दीन ही बेहम अकाव मन हिना अजहर ही वसावर तआद फरा इसे ही। और शहजादी ये कौनैन ने जो आपके बारे में बयान किया, बीबी ने फरमा बाहुबल इमाम रब्बानी खसाउल्लाह बिल विलाया। बीबी ने फरमाया अली ने खुद खिलाफत के लिए कोशिश नहीं की, खसाउल्लाह बिल विलाया, ये विलायत के मकाम से खास खुदा ने किया है अली। अब विलायत को अली से खास किया, जैसा कि मौला ने खुद फरमाया था वल्लाहि अन्नहु लयअलमु अन्न महल मिन्हा महलुल कुतुब मिन अर-रहा यनहदरु अन-सैफ वला यल्का इलय्यत-तैर। खुदा की कसम वल्लाहि अन्नहु लयअलमु, बेशक वो जानता था। वलकद तकम्मसा इब्न अबी कुहाफा व अन्नहु लयअलमु अन्न महल मिन्हा महलुल कुतुब मिन अर-रहा यनहदरु अन-सैफ वला यल्का इलय्यत-तैर। फलां बदबख्त ने खिलाफत को लिबास समझ के ज़ेब-ए-तन कर लिया, लेकिन उस जाहिल को ये मालूम है कि महलुल कुतुब मिन अर-रहा, खिलाफत अली वो मेहबर है जिसके गिर्द खिलाफत घूमती है। महली महलुल कुतुब मिन अर-रहा यनहदरु अन-सैफ वला यल्का इलय्यत-तैर। मैं वो सारे जिसके कोहे वजूद से इल्म दानिश के चश्मे फूटते हैं और हिकमत और ताराई के नफाज आबशार सराजी होते हैं। और मौला ने फरमाया बल तमज तो अला मकनून इल्म लो बहतु बिही लस्तरबतुम इस्तराब अल अर्शियते फिल तबीय बईदा। खुदा की कसम अगर अली अपने एक जर्रा इल्म का इजहार कर दे बल तमज तो अला मकनून इल्म लो बहतु बिही लस्तरबतुम है। तुम्हारे दिल इस तरह नरसने लगे अगर अली पता
दुआ याद नहीं की। और अगर आपके नसब की बुलंदी की जानिब निगाह करें तो अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असनाब ताहिर वल अरहाम मुतखरा। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, हम ज्यादा बात नहीं कर पाए शायर इलाही की अहमियत के बारे में। दरवाकई बात हम ये करना चाहते थे कि अगर एक काली कमीज एक गैर मासूमा अपने बच्चे
बच्चे की प्यास के इजाले के लिए साई करती है पहाड़ियों के दरमियान, और वो मारिफते इलाही से लबरेज दिल अपने अंदर रखती है, हुज्जत खुदा पे ईमान रखती है, वो इलाही तालीमात की पाबंद है। तो खुदा बंदे मुताल उसकी सुन्नत बजा लाने के लिए तमाम दुनिया इंसानियत के अकाबरीन समेत बड़े बड़े मुसलमान रहबरों को, हत्ता के मासूम पैगंबरों को हुक्म देता है कि तुम सुबह कयामत तक सफा व मरवा को अल्लाह की अजमत की निशानियां जानकर हाजिरा की सुन्नत को बजा लाओ। तो अगर हाजिरा की सुन्नत को बजा लाने और इब्राहिम जिनका बेटा शहीद नहीं हुआ जिंदा बच गया, फलम्मा असलमा जब बाप बेटा दोनों कुर्बानियां में आ गए, वतल्लहु लिल्जबीन पेशानी के बल बेटे को लेटा दिया जनाब इब्राहिम ने, फना देना हो हमने आवाज दी, अय्या इब्राहिम तक सतक तर रुक गया, इब्राहिम आप सादिक जज्बे पाए सबूत तक पहुंचा दिए, आपकी कुर्बानी कबूल हो गई, कुर्बानी हुई नहीं लेकिन कबूल हो गई, और तुम्हें सुबह कयामत तक इस कुर्बानी की याद को मुसलमानों में जिंदा रखा। तो जिसके 18 यूसुफ करबला की तपती रेत पर एड़ियां रगड़ते हुए दम तोड़ गए, अगर हाजरा इब्राहिम 7 चक्कर काटे और जमजम का चश्मा टूट पड़े, तो हाजरा करबला जिसके 6 महीने के शीर खार को पानी ना मिला, अंबिया ने जो ना दी अपने सिद्कियत को सिर्फ बारगाह इलाही में पाया सबूत तक पहुंचाया, तो उनकी उस याद को कयामत तक जिंदा रखने का हुक्म दिया गया। और जिसने इतनी अजीम शान कुर्बानियां दी, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बान, अब्बास के बाजू कट जाना क्या ये कोई मामूली बात है? कहते हैं जब मैदान कयामत बपा होगा, खातून महशर कयामत में आएंगी, दुनिया इंसानियत आएगी, सारे पैगंबर आएंगे, सारे रसूल आएंगे, सारी दुनिया आएगी वहां पर, फिर शहजादी महशर आखिर में आएंगे, तो खिताब आएगा आए आदम नूह इब्राहिम अपनी आंखें बंद कर लो, तो अर्ज करेंगे किस लिए, तो खिताब आएगा खातून महशर आ रही है, परवरदिगार हम तो फातिमा की महरम है, फातिमा हमारी औलाद है, खिताब आएगा महरम तो हो लेकिन फातिमा जिस हुलिये में आ रहे हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाओ, फातिमा कैसे आ रही है, फातिमा की पसलियां टूटी, फातिमा के हाथ शिकस्ता पहलुओं पर, फातिमा मैदान में शर हुजूर को हुक्म होगा उम्मत की शफाअत का, हुजूर मौला कायनात को पुकारेंगे, अली मेरी बेटी फातिमा के पास जाओ, जाके पूछो मेरी उम्मत की शफाअत के लिए तू क्या लेके आई है, तो फातिमा खिताब करेंगी, कफाना हातान यदान मक्तूअतान मिन इब्ने अब्बास, फातिमा कहेंगी अली बाबा को बता दे खजाने तो मेरे पास हैं और भी, लेकिन इस उम्मत की शफाअत के लिए तो मेरे अब्बास के ये दो कटे बाजू का जाएंगे
जो मेरे साथ हैं, गदा कल के दिन जो भी मेरे साथ हैं वो सब मारे जाएंगे। तो जनाब कासिम ने पूछा कि मौला क्या उनमें मेरा नाम भी है? तो आका ने फरमाया कि नाम वा इब्ने रजी। आका ने इरशाद फरमाया कि हाँ, और हत्ता के मेरा 6 महीने का बच्चा। तो कासिम घबरा के कहते हैं कि चचा जान, क्या आया जुमुना अलल खियाम? घबरा के कहा, चचा क्या जालिम खेमों पे हमला करते? तो फरमाया नहीं कासिम, असगर मैदान में जाके कुर्बानी पेश करेगा। तो जब आशूरा का दिन आया तो बड़ा ही बड़ा तवील मकतल है, अब वो मैं बयान नहीं करूँगी, सिर्फ चंद जुमले इसलिए बयान करना चाहती हूँ कि जनाब कासिम का तस्करा बहुत कम होता है, इमाम हसन का तस्करा बहुत कम होता है, इसलिए जिक्र करना चाहती हूँ। तो जनाब कासिम ने कहा कि क्या जब आशूर का दिन आया तो इमाम ने जब इस्तिगासा करबला में पढ़ा तो जनाब कासिम सामने आए, तो हमीद इब्ने मुस्लिम जो यजीद का न्यूज रिपोर्टर है उसने बयान किया, कहता है कि खरजा मिन अल खियाम, खेमों में से एक गुलाम निकला, कशुक्कते कमर, वो गुलाम वज्हुहु कशुक्कते कमर, उसका चेहरा कटे हुए चांद की माने, इतना हसीन नौजवान खेमों से निकला। और उसने आके इमाम हुसैन से इजाजत तलब कि जब इजाजत तलब की और इमाम हुसैन ने इजाजत दी तो कहते हैं कि कासिम को इजाजत नहीं मिल रही थी और उन्हें वो वाकया याद आया और फिर वो सिफारिश लेके आए और इमाम हुसैन ने तैयार किया। तो कहते हैं कि कासिम वो नौजवान थे जिनके बदन पे कोई जरा कोई लिबास जंग पूरा नहीं आता था, तो इमाम हुसैन ने उनको एक लिबास ऐसा पहनाया कि वो एक चादर ही थी जिसके मुख्तलिफ टुकड़े किए और उसको टुकड़ों की सूरत में पहना दिया और उसका एक टुकड़ा चेहरे पर भी गिरा दिया। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, मौला ये बच्चा जंग कैसे लड़ेगा, आपने तो इसका चेहरा छुपा दिया। तो इमाम ने फरमाया, ज़ैनब ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, तो मुझे खौफ है कहीं इसको नजर ना लग जाए। फिर मैदान में आए, जब अमीर मुख्तार के दरबार में करबला के कातिलों को बुलाया गया तो अमीर मुख्तार ने कासिम इब्ने हसन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि अमीर इतने हसीन थे कासिम कि फौज वाले पीछे पीछे घोड़े दौड़ाते थे दाएं बाएं कासिम के चेहरे को देखने के लिए और बार बार देखने के लिए। तो अमीर मुख्तार ने कहा, मैंने तो सुना है कासिम का चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन
क्यों नहीं है? इमाम हुसैन ने कुछ जवाब ना दिया, खेमे में आए,
गांधी की रास्ता दिखाई नहीं।